होती, और इसकी खास बात ये है कि ये फर्स्ट ट्यूमर मेकर है जो कि सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। एंटीबॉडी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम की प्रोडक्शन है, और ये सिंपल इन्फेक्शन या पर्टिकुलर इन्फेक्शन को के साथ डील करती है और पर्टिकुलर डिजीजेस के साथ डील करती है, ताकि हमारे बॉडी को किसी भी हार्म से प्रोटेक्ट कर सके। व्हाट इज बेंस जॉन्स प्रोटीन टेस्ट? बेंस जॉन्स प्रोटीन टेस्ट एक यूरिन टेस्ट है ताकि बॉडी में अनयूजुअल लेवल ऑफ प्रोटीन्स को डिटेक्ट किया जा सके। इसे दूसरे नामों से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसके मजीद थ्री नेम्स हैं जिनमें से यूरिन इम्यूनो फिक्सेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस है और इम्यूनो एसे है। डॉक्टर हमें ये तब रिकमेंड करता है जब हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हों, जैसे कि स्टमक इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, और तब जब हमारी बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल रेज हो जाता है और प्लेटलेट्स, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज लेवल लो हो जाता है। ये मेनली हमें तब रिकमेंड किया जाता है बेंस जॉन्स प्रोटीन टेस्ट जब हमारी बॉडी में मल्टीपल मायोमा प्रोड्यूस होता है या मल्टीपल मायोमा डायग्नोज होता है। जब मल्टीपल मायोमा डायग्नोज होता है तो 90% बोन लेयंस हो चुकी होती हैं। जो ये कैंसर है ये हमारे प्लाज्मा सेल्स में प्रोड्यूस होता है, जो प्लाज्मा सेल्स हमारे बोन मैरो में होते हैं। बोन मैरो ब्लड प्रोड्यूसिंग एजेंट या ब्लड प्रोड्यूसिंग टिश्यूज हैं। व्हाट कुड कॉज अबनॉर्मल बेंस जॉन्स प्रोटीन लेवल? द मेन कॉज ऑफ अबनॉर्मल बेंस जॉन्स प्रोटीन लेवल इज योर यूरिन इज द टाइप ऑफ कैंसर कॉल्ड मल्टीपल मायोमा। जब बेंस जॉन्स प्रोटीन की प्रोडक्शन अब नॉर्मल लेवल तक रेज हो जाती है तब मल्टीपल मायोमा की प्रोडक्शन होती है। दिस कैंसर इफेक्ट योर ब्लड सेल्स। ये कैंसर ब्लड सेल्स को इफेक्ट करता है और ट्यूमर प्रोडक्शन को रेज करता है बोन्स में। ऑब्वियसली जब ट्यूमर प्रोडक्शन बोन्स में रेज होगी तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू बी सीज प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और डब्ल्यू बी सीज जो है वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इससे हाई लेवल ऑफ फ्री बेंस जॉन्स प्रोटीन्स की प्रोडक्शन ज्यादा होगी और मोर कैंसर प्रोडक्शन होगी। कॉजेज ऑफ हाई यूरिन बेंस जॉन्स प्रोटीन लेवल इंक्लूड अमाइलोडोसिस। अमाइलोडोसिस अब नॉर्मल बिल्ड अप ऑफ प्रोटीन्स इन योर टिश्यूज। अमाइलोडोसिस बेसिकली प्रोटीन्स की अब नॉर्मल प्रोडक्शन है जो कि टिश्यूज में होती है। लिम्फोमास। लिम्फोमास इज द टाइप ऑफ कैंसर दैट इफेक्ट योर लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम टिश्यूज, वेसल्स और ऑर्गन्स का ऐसा नेटवर्क है जो कि कलरलेस वाटरी फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है, जिसे लिम्फ कहते हैं, जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रेवल करता है। लिम्फ नोड्स बीन शेप्ड होते हैं, जिसमें लिम्फ जो है वो फिल्टर होता है और लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है। लिम्फोसाइट्स की जब प्रोडक्शन होती है तो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होती है। तो ये जो प्रोटीन है बेंस जॉन्स प्रोटीन, ये बेसिकली एंटीबॉडीज को हिट करती है, जो कि इम्यून सिस्टम की डिस्टर्बेंस का एक मेन कॉज है। मोनोक्लोनल गेमोपैथी ऑफ अनडिटर्मिनेड सिग्निफिकेंस, इसे MGUS भी कहते हैं। इस कंडीशन में प्लाज्मा सेल्स मेक मोर ऑफ वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी। प्लाज्मा सेल एक से ज्यादा टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनाते हैं, लेकिन अगर यही कंडीशन रहे तो ये ट्यूमर कॉज नहीं करती, ना ही इसमें किसी मेडिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। इस कंडीशन के साथ जो पेशेंट होता है वो काफी देर तक सर्वाइव कर सकता है, लेकिन इस कंडीशन में स्लाइटली रिस्क हो जाता है माइलोमा। क्यों? क्योंकि इसमें अब नॉर्मल प्रोटीन की डेवलपमेंट होती है, पैरा प्रोटीन की। हाउ इज दिस टेस्ट डन? इस टेस्ट को ऐसे परफॉर्म किया जाता है कि पेशेंट को कहा जाता है कि 24 आवर्स का जो यूरिन है उसे कलेक्ट किया जाए किसी
स्मॉल कंटेनर में जिसमें आपका 24 ऑर्स यूरिन कलेक्ट हो, फिर उसके बाद उस 24 ऑर्स यूरिन का टेस्ट करवाया जाता है जिसमें हाई लेवल ऑफ प्रोटीन्स को डिटेक्ट किया जाता है और इसमें बेंस जॉन प्रोटीन को भी टेस्ट किया जाता है, बेंस जॉन प्रोटीन का लेवल भी डिटेक्ट किया जाता है। अगर इमरजेंसी टेस्ट करवाना हो तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन से भी इस टेस्ट को परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन जो मोर एक्यूरेट रिजल्ट है वो 24 ऑर्स प्रोडक्शन ऑफ यूरिन या एलिमिनेशन ऑफ यूरिन कलेक्शन से ही परफॉर्म किया जा सकता है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू सो मच।